बस अभी तक हमने जो सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे कुछ बर्ड्स देखी थी जिसको हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। फिर हमने सीखा था कि डार्विन ने बहुत सारी वैरायटीज देखी थी फिंचेस की, और डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था उसका कॉन्सेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट, जिसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स एंसेस्टर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। फिर हमने सीखा था, उन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अडाप्टिव रेडिएशन। अडाप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है एवोल्यूशन का जिसमें डिफरेंट स्पीशीज एक ज्योग्राफिकल एरिया में कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं और उसी ज्योग्राफिकल एरिया में वो रेडिएट भी होते हैं। फिर हमने सीखा था अगर एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा अडाप्टिव रेडिएशन होते हैं तो हम उसको कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। फिर हमने सीखा था कि जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं वो सिमिलैरिटी एग्जिबिट करते हैं। फिर हमने सीखा था कि जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने एवोल्यूशन को सपोर्ट किया था अपनी थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से। क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लें। नाउ क्लास, कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 14।